राजस्थान विद्युत तकनीकी एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर भीलवाड़ा में भी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापनदाताओं ने बताया कि सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, उसी के विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। और हमारे भीलवाड़ा में भी जैसे FRT MBC लगी हुई है, जिससे निगम को तो नुकसान है, उसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी नुकसान है। भीलवाड़ा में FRT टीमें लगी हुई, जिसमें कर्मचारी 12 होने चाहिए, वहाँ 6-6 कर्मचारी लगे हुए हैं। फुल भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 7 दिन में हमारी मांगे नहीं माने तो हम टूल डाउन हड़ताल। जो निजीकरण हो रहा है, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकता है? निजीकरण से भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार में क्या है? जैसे आज 12 उनके वर्क ऑर्डर के हिसाब से जितने कर्मचारी लगने चाहिए उतने लग ही नहीं रहे। ऑनलाइन कंप्लेन होनी चाहिए, हो ही नहीं रही। और इनका जो कॉल सेंटर होना चाहिए, कॉल सेंटर नहीं खुला, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनके वर्क ऑर्डर में जो भी काम है, एक भी काम नहीं हो रहा। उपभोक्ताओं का मीटर, जैसे कोटा में देखा होगा, निजी कंपनी का मीटर और सरकारी मीटर, उनमें यूनिट का फर्क आ रहा है। ऐसा भीलवाड़ा में भी हो रहा है। भीलवाड़ा में आम उपभोक्ता विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं निजीकरण का ना। तो और कोरोना काल में जहाँ कर्मचारियों के पैसे काटे जा रहे हैं, सबके पैसे काटे जा रहे हैं, वहाँ विद्युत को ठेके पर दिया जा रहा है, क्योंकि सप्लाई तो पहले भी चल रही थी, पहले भी कर्मचारी संभाल ही रहे थे, तो अब ठेके पे देने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई। कोरोना काल में जहाँ सरकार के पास पैसे नहीं, वहाँ एक तरफ 3-3, 4-4 लाख के टेंडर कर रहे हैं, वो भी कर्मचारी